बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे जी कंपोनेंट दैट इज जे जी। जे जी जो है हमारे पास ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का जी कंपोनेंट है, इसकी आज हम आइगन वैल्यू और इसकी करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन को डिराइव करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन स्टेट ऑफ जे जी ऑपरेटर। लेट कंसिडर ए किट साई विद आइगन स्टेट एंड लेमडा बी द आइगन वैल्यू फॉर द जी कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो वी नो दैट फ्रॉम आइगन वैल्यू इक्वेशन दैट जे जी ऑपरेटर किट इक्वल टू लेमडा इन टू किट, दिस इज नोन एज किट वेक्टर या सिंपली आइगन स्टेट। बट अकॉर्डिंग टू स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम the j is equal to in this one. So अगर हम both side को divide करें by minus iota h cut, so we obtain this expression. Or this can be written as in this form. Now integrate this both side, so we obtain log ket equal to iota lambda by h cut into pi plus log of a, where log of a is known as integration constant. अगर इस लॉग ऑफ ए को हम लेफ्ट में ले जाए सो वी ऑब्टेन दिस वन। बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉगरिथम दिस सबट्रैक्शन कन्वर्ट टू डिवीजन दिस वन। और इफ यू टेक एक्सपोनेंशियल बोथ साइड सो दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो अगर इसके साथ हम एक्सपोनेंशियल लगाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो वी ऑब्टेन दिस वन। और ये वाला जो टर्म है एक्सपोनेंशियल के पावर में चला जाएगा, सो आवर रिजल्ट इज दिस वन। नाउ अगर इस ए को हम राइट में ले जाए सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। दिस शो दैट साई इज ए फंक्शन ऑफ पाई। एंड रिमेंबर वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आयोटा पाई रिपीट इटसेल्फ आफ्टर टू पाई रेडियन। हमें मालूम है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो पीरियड होता है वो होता है टू पाई, मीन आफ्टर टू पाई इट रिपीट इटसेल्फ। सो साई पाई इक्वल टू साई इन टू पाई प्लस टू पाई, दिस टू पाई इज नोन एज पीरियड। अगर हम किसी भी वेव फंक्शन के साथ जिसका वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन इस पाम में हो एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा में हो, अगर उसके पावर में हम टू पाई को ऐड करें तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो मीन्स दिस टू पाई इज द पीरियड ऑफ व्हाट एक्सपोनेंशियल आयोटा लेमडा ओवर एच कट इन टू पाई। सो इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें, सिमिलरली इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन आर दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। बट ई पावर एक्सपोनेंशियल एम जे टू पाई इक्वल टू वन, वेयर एम जे इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, एंड दिस एम जे इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, वी ऑब्टेन एम जे इक्वल टू लेमडा बाई एच कट या लेमडा इक्वल टू एम जे एच कट। दिस एम जे एच कट इज नोन एज द टोटल एंगुलर मोमेंटम जी कंपोनेंट, और सिंपली इट इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ जे जी ऑपरेटर। सो इक्वेशन नंबर वन इज दिस वन। और हमें मालूम है कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये फंक्शन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का और जे का, एम और जे का। सो इसको हम इस पा में भी ले सकते हैं, और लेमडा की जगह हम पुट करेंगे इसकी आइगन वैल्यू की वैल्यू एम जे एच कट। दिस एम जे एच कट इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ जे जी ऑपरेटर एंड दिस इज नोन एज आइगन फंक्शन ऑफ जे जी ऑपरेटर। अब इस एम जे जो क्वांटम नंबर है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके साथ अगर हम एच कट को मल्टीप्लाई करें तो फिर इसको हम बोलते हैं एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम एलॉन्ग जी कंपोनेंट। अब इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एम जे, दिस इज द प्रोजेक्शन एम जे या जे जी, एम जे को हम जे जी भी बोलते हैं, इज द प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सिंस यू आर डीलिंग विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो पर सिंगल इलेक्ट्रॉन जे इज व्हाट द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम। अगर हमारे पास कोई भी एक एटम हो और उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो
करेक्ट, तो उसका स्पिन हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस वन बाय टू। अगर ओ इलेक्ट्रॉन हमारे पास पी ऑर्बिटल में हो तो पी के लिए हम एल की वैल्यू पुट करेंगे वन, करेक्ट। सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम पर दैट एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी स्टेट, पी मीन्स एल इक्वल टू वन प्लस माइनस वन बाई टू या सिंपल थ्री बाई टू या माइनस थ्री बाई टू। तो हमारे पास कोई भी एक एटम हो उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो और पी ऑर्बिटल में हो तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास थ्री बाई टू और या माइनस थ्री बाई टू होगा। अब इस थ्री बाई टू और माइनस थ्री बाई टू के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं, या ये जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम, हमारे पास कोई एटम है उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है, अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जितनी भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम जे। हेंस एम जे मस्ट हैव ओनली ऑड हाफ इंटीजर वैल्यू बिकॉज एम जे हैव वैल्यू टू जे प्लस वन, हियर जे इक्वल टू थ्री बाई टू, सो टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन इक्वल टू फोर। सो हमारे पास कोई भी एटम हो उसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम थ्री बाई टू हो तो उसकी जो एम जे की वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो हमारे पास होगी फोर, और वो क्या होगी, उसकी रेंज होगी थ्री बाई टू से माइनस थ्री बाई टू तक। सो हियर प्लस जे मीन्स थ्री बाई टू, माइनस जे मीन्स माइनस थ्री बाई टू और वन बाई टू और माइनस वन बाई टू, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू। और इसके साथ हम एच कट को मल्टीप्लाई करें दैन दिस इज नोन एज टोटल एंगुलर मोमेंटम जी कंपोनेंट। इसको हम ग्राफिकली इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस फिगर को देखें, हमारे पास कोई भी एक एटम है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है थ्री बाई टू, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, करेक्ट, तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसके फोर कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये थ्री बाई टू, ये वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू और ये माइनस थ्री बाई टू। इस वैल्यू को हम बोलते हैं एम जे, करेक्ट। और अगर इसके साथ हम एच कट को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसको हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम जी कंपोनेंट एलॉन्ग बी। थैंक यू।